हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स इको 4 जेई 2022 के पेपर नंबर 15 के सॉल्यूशन को, जिसमें वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को इंक्लूड किया गया है। चलिए सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। टू बीम्स ऑफ लाइट विल नॉट गिव राइज टू एन इंटरफेरेंस पैटर्न इफ दे आर कोहेरेंट, दे हैव द सेम वेवलेंथ, देयर एम्पलीट्यूड्स आर स्लाइटली डिफर, दे आर नॉट मोनोक्रोमेटिक। सीधी सी बात है, अगर इंटरफेरेंस है तो कोहरेंट होना बहुत जरूरी है, मस्ट है, और कोहरेंट के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होना मस्ट है, ठीक है। और मोनोक्रोमेटिक अगर नहीं है, है ना, दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम नहीं है, डेफिनेटली जो है इंटरफेरेंस पैटर्न अपन को ऑब्जर्व नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन लूनर इक्लिप्स मेन रीजन ऑफ रेडिश कलर ऑफ मून इज, देखो लूनर इक्लिप्स जब होता है तो मून का जो कलर है वो रेड कलर जो है, स्लाइटली रेड कलर जो है हमें नजर आता है। उसका मेन रीजन क्या है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इसके राउंड है, इधर की तरफ मून है और इधर की तरफ सन है, तो सन से जो भी लाइट या जो भी रेडिएशन आएगा मून पर, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू क्रॉस करके इस पर मून पर इंसिडेंट होगा, ठीक है। तो जो भी व्हाइट लाइट आ रही है, इस व्हाइट लाइट का मोस्ट ऑफ जो पार्ट है ना, वो स्कैटर हो जाएगा ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर। तो जो रेड कलर है वही मून पर जाके गिरेगा, तो इसलिए मून का जो कलर है वो रेडिश कलर अपन को नजर आता है। तो स्कैटरिंग ऑफ सन लाइट बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन फ्रंट ऑफ अ डिफ्रेक्शन बाय अ सिंगल स्लिट, अ पोजीशन वेयर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम इज फॉर्म्ड बाय वेवलेंथ 9000 एंगस्ट्रॉम, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम इज फॉर्म्ड ड्यू टू एन अननोन वेवलेंथ लैम्डा डैश। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो फ्रंट ऑफ अ डिफ्रेक्शन सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा जो मिलता है अपन को, उसके लिए ए साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा के इक्वल होता है, ठीक है। और मैक्सिमा के लिए बात करें, अगर मान लीजिए लैम्डा वेवलेंथ सपोज चेंज कर दिया, लैम्डा डैश कर दिया, तो लैम्डा डैश वेवलेंथ के लिए जहां पर पहले वाले के लिए मिनिमा मिल रहा था, वहां पर फर्स्ट वाले के लिए मैक्सिमा मिलेगा, वो भी फर्स्ट ऑर्डर। तो मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होगी, ए साइन थीटा, देखो लोकेशन वही है तो थीटा सेम रहेगा, इज इक्वल टू 3λ/2, ठीक है। एंड हियर लैम्डा इज लैम्डा डैश, तो बस इसको इक्वेट करना है अपन को, लैम्डा के इक्वल रखना है। लैम्डा डैश की वैल्यू यहां से आ जाएगी अपने पास 2λ/3, इसकी वैल्यू रख दे अपन 2 दिस इज 9000/3, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 3000/6000, तो थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ, ए स्पेसशिप इमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूविंग अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर, इफ एपरेंट शिफ्ट इन वेवलेंथ इज 100%, देन स्पीड ऑफ स्पेसशिप इज, देखो स्पेसशिप जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, ठीक है, और ये जो भी वेव इमिट करेगी, वो वेव जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ जब जाएगी तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, दूर जा रही है, ठीक है। और वेवलेंथ में जो शिफ्ट है वो 100% है, इसका मतलब डेल्टा लैम्डा जो है वो 100% है, डेल्टा लैम्डा का जो परसेंटेज चेंज है वो 100% है। तो लैम्डा डैश जो आएगा नया, वो कितना होना चाहिए, वो 2λ के इक्वल होना चाहिए। इनिशियली मान लीजिए लैम्डा था, ठीक है, तो अब 2λ हो गया, तो शिफ्टिंग कितनी आ गई, 100% आई कि नहीं, तो शिफ्टिंग 100% है। तो लैम्डा डैश काफी लार्ज है, यहाँ पर 2λ है, तो मैं इक्वेशन लिखने वाला हूँ यहाँ पर, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा अंडर रूट सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी, ठीक है। ये अप्रोच लगा सकते हैं अपन, लैम्डा डैश की वैल्यू रख दें यहाँ पर 2λ रखोगे, स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, 4c प्लस v अपॉन में c माइनस v, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा 4c माइनस 4v इज इक्वल टू c प्लस v, देन ये आ जाएगा अपने पास 3c, इधर आ गया 5v, देन v इक्वल टू 3c/5, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन हाइगेंस वेव थ्योरी द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेव फ्रंट, काफी सिंपल क्वेश्चन है थ्योरेटिकल। द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, ट्रांसवर्स नेचर पता करना है तो पोलराइजेशन, है ना, काफी सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। सेवंथ, ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 5 × 10⁻⁷ मीटर फॉल्स ऑन ए पेयर ऑफ नैरो स्लिट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन प्लेस 2 मीटर अवे शोज दैट देयर इज डार्कनेस एट द पोजीशन एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, ईच स्लिट, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज, ओके। तो ये YDSC है और इसमें स्लिट के आगे अपन को डार्कनेस मिल रही है, मतलब मिनिमा मिल रहा है यहाँ पर, और ये डिस्टेंस डेफिनेटली d/2 के बराबर होनी चाहिए,
और डी बाई टू जो वाई को रिप्रेजेंट करेगा, एंड वाई फोर मिनिमा क्या लिखते हैं अपन, टू एन माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी बाई टू डी, और वाई की वैल्यू डी बाई टू के इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। इसको यहां लिख देता हूं मैं डी बाई टू। ओके, तो हमसे स्मॉल डी की वैल्यू पूछिए, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल डी इधर ले जाओ, इसको टू से टू यहां से वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल डी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एन माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी, राइट। स्मॉल डी की वैल्यू चाहिए आपको तो अंडर रूट कर सकते हो आप यहाँ पर। अब कैपिटल डी की वैल्यू हमें गिवन है 2 मीटर है, तो 2 मीटर रख देंगे, बाकी एन जो है वो इंटीजर नंबर है। तो लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 5 × 10⁻¹। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर है, 5 × 10 हो जाएगा और ये 10⁻⁶ बचेगा, ये वाला पार्ट यहाँ से हट जाएगा, 10⁻⁶ को बाहर ले आओगे 10⁻³ आ गया, और अंडर रूट में हमारे पास क्या बचा, 2n-1। अब बस इसमें ऑप्शन सेट करना है अपन को, ठीक है, इंटीजर नंबर आना चाहिए, मिलीमीटर में तो आ गया तो ये मिलीमीटर में 10⁻³ तो हट जाएगा, बाकी इस वाले पार्ट को देख लेते हैं। एन की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो 2-1 आ रहा है यहाँ पर, आ रहा है ना, 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा, तो वो ऑप्शन भी मैच कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। बाकी आप पुटअप करके देख सकते हो, वो वैल्यू नहीं आएगी, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ए डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस फ्रिंजेस ऑफ लाइट लैम्डा गिवन है व्हिच आर 0.2 डिग्री अपार्ट, इफ द होल अरेंजमेंट इज फुली डिप्ड इन ए लिक्विड म्यू इक्वल्स 4/3 द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन इज। देखो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है वो बीटा होता है और बीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय स्मॉल डी होता है। अगर हमने मीडियम चेंज कर दिया तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, सो बीटा डैश इक्वल्स टू लैम्डा बाय डी एंड लैम्डा इज लैम्डा बाय म्यू, सो बीटा बाय म्यू, सिंपल। एंड हियर बीटा इज 0.2 डिग्री में है, डिग्री में रहने दो, और ये 4/3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है, जीरो ले आओ और बाकी ये कितना आ जाएगा, 20। ओके, तो डिग्री में है ना, पॉइंट में आ जाएगा ये 0.0 1.5, तो 0.15 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। The displacement of interfering light waves are y1 and y2 are given. The amplitude resultant wave is. Vector method से इसको अपन डील करते हैं। पहली इक्वेशन दे रखी है, सेकंड इक्वेशन आपको दे रखी है। पहले का जो एरो आएगा उसकी लेंथ 4 आएगी, दूसरे का एरो 3, लेकिन पाई बाई 2 फेज डिफरेंस है तो पाई बाई 2 पे आ गया ये। दिस इज 3, दिस इज 4। रिजल्टेंट वेव के लिए इसका एम्पलीट्यूड डी, इसके इस एरो के लेंथ के इक्वल होगा, ये 3, 4, तो ये 5 आएगा कि नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट 5। The ratio of intensities of two waves is 9:4. Okay, they are producing interference. The ratio of maximum and minimum intensities will be. Maximum and minimum intensities का ratio क्या होता है? I1, देखिए maximum होता है √I1 + √I2 का whole square, और minimum का होता है √I1 - √I2 का whole square. अब इसको 9 मान लो I1 को, इसको I2 को 4 मान लो, 9 का root कितना आ जाएगा? 3 + 4 का root 2, 9 का 3 - 2 1 आ जाएगा, ये squaring करोगे 3 और 2 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 25/1 इसका आंसर आ जाएगा। सोप बबल अपीयर्स कलर ड्यू टू फिनोमेना ऑफ, देखो सोप बबल जो है वो थिन फिल्म इंटरफेरेंस का एग्जांपल है, ठीक है, और ये प्रैक्टिकली अपन ऑब्जर्व भी करते हैं। तो जो लाइट आती है वो लाइट का कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट होता है, कुछ पार्ट इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर के वापस रिफ्रैक्ट होता है ना, तो उनके बीच में इंटरफेरेंस के कारण अपन को जो है वो कलर नजर आता है, तो इसका जो आंसर है वो इंटरफेरेंस हो जाएगा। Two beams of light having intensity I and 9I interfere to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between the beams is pi by 2, okay, at point A. देखिए pi by 2 जब phase difference है, ठीक है, point A पर, तो intensities अपन को I and 9I दे रखा है, तो resultant जो intensity मिलेगी वो मैं मान लेता हूँ I1 में, तो I1 कितना लिखेंगे अपन, formula अपन जानते हैं, I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos delta phi. I1 is equal to I, right? This is I. तो I1 ये जो पहली जो है वो उसकी इंटेंसिटी I है, दूसरा कितना आ जाएगा 9I, I1 plus I2 plus 2 root I1 I2, root I1 root I2 कह सकते हो आप, तो ये 9I square का root कितना आ जाएगा, 3I, ठीक है, and cos pi by 2, cos pi by 2 value 0 हो जाएगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 9I and I कितना आ जाएगा अपने पास, 10I आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है जब पाई फेज डिफरेंस होता है बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट में इंटेंसिटी में I2 मान लेता हूं, अब कितना आएगा, अगेन वही सेम फॉर्मूला, आई प्लस 9I, ठीक है, प्लस अगेन ये 6I आ जाएगा, एंड कोस पाई, कोस पाई की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, कोस पाई आएगा ना, कोस पाई इज -1, राइट, 9 and 1 10 10 - 6 मतलब 4I, तो इंटेंसिटी दोनों पॉइंट पे आ चुकी है। देन द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए एंड बी इज
टेन आई माइनस फोर आई जो है वो सिक्स आई इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंस पूछा है केवल। 13th, इफ सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड द सोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द इंटेंसिटी। देखो ये सोर्स ले लिया मैंने, यहाँ पे स्क्रीन है, डिस्टेंस मैंने आर कंसीडर कर ली, अगर कुछ ना गिवन हो तो सोर्स को आप पॉइंट सोर्स मानिए हमेशा, तो सोर्स की जो इंटेंसिटी है आर डिस्टेंस पर वो आ जाएगी आई इक्वल्स टू पावर ऑफ सोर्स अपॉन में 4πr². अब आपने डिस्टेंस जो है वो 20% इंक्रीज कर दी, आर का 20% कितना आएगा r/5, तो अब जो नई वाली इंटेंसिटी है वो आ जाएगी पी अपॉन में 4π, आर प्लस r/5 मतलब कितना आ जाएगा 6r/5, तो ये आ जाएगा 36r² / 25, ठीक है। और बाकी ये जो पार्ट है ये तो अपने पास आई के इक्वल है ही है, तो इंटेंसिटी में कितना डिफरेंस आया, क्योंकि आई डैश ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है, तो मैं आई डैश माइनस आई अपॉन में आई कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आई अपॉन 36, आई माइनस कर देते हैं अपॉन में आई, राइट, 36 माइनस 25 अगर अपन करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 11 एंड अपॉन में 36 इंटू में 100, ओके, इसको सॉल्व करें अगर अपन तो ऑलमोस्ट जो है वो 30% के अराउंड जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 30% जो है इसका जो डिक्रीज हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। Fourth, the given graph represents VI characteristic of a for a semiconductor device. Then which of the following statement is correct? IV graph अपन को दे रखा है और इसमें से पूछा है कि किसका graph है? Solar cell, photodiode, LED, zener diode. बहुत common question है, NCERT basis question है. इसका जो correct answer है वो first है solar cell, क्योंकि ये वाला जो point है ये है जो open circuit का case और ये है closed circuit का case. ठीक है, closed circuit case में potential difference zero जाता है, open circuit case में potential difference मैक्सिमम होता है। सोलर सेल का ये ग्राफ है, सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इन YDSC द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 0.8 mm। इफ द होल अपैरेटस इज इमर्ज्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 4/3 विदाउट डिस्टर्बिंग द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट द न्यू फ्रिंज विड्थ इज। अगेन काफी सिंपल है, फ्रिंज विड्थ को अगर मैं बीटा कंसीडर करूं, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी होता है, और किसी मीडियम में अगर अपन चले लैम्डा चेंज हो जाता है, लैम्डा बाय म्यू हो जाता है, तो नया जो फ्रिंज विड्थ है वो कितना आ जाएगा, बीटा डैश इक्वल्स टू बीटा बाय म्यू। बीटा की वैल्यू अपन को दे रखी है यहाँ पर 0.8 mm एंड म्यू की जो वैल्यू 4/3 है, इसको सॉल्व करें 0.2 × 3 मींस 0.6 mm इसका आंसर आ जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा 15th का। 16th, द स्लिट्स इन YDSC हैव इक्वल विड्थ्स एंड सोर्स इज प्लेस सिमेट्रिकली रिलेटिव टू द स्लिट्स, द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल फ्रिंज इज 4I0, इफ वन ऑफ द स्लिट्स इज क्लोज्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज। देखिए अगर दोनों की इंटेंसिटी अगर मान लीजिए आई है, दोनों सोर्स जो वेव्स आ रही है उनकी इंटेंसिटी आई है, ठीक है, और सेंट्रल फ्रिंज जो है उसकी इंटेंसिटी 4I0 दे रखी है, 4I0 ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस है विच इज रूट ऑफ आई, आई वन मतलब आई प्लस रूट ऑफ आई का होल स्क्वायर, राइट, सो 4I0 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2√i का होल स्क्वायर मतलब 4i, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, तो आई जो है इंडिविजुअल जो स्लिट है उससे जो वेव आ रही है उसकी इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, I0 के इक्वल हो जाएगी। 16th का फर्स्ट ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। 17th पे आइए, द टू स्लिट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm आर इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, ओके, द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट 1 meter, द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड डार्क फ्रिंज एंड द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज विल बी। थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस अपन से पूछी है। आइए जरा सबसे पहले मैं डिस्टेंस की बात कर लूं, देखिए फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज जो है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए तो 5 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है, और ये तो आ गई ब्राइट के लिए। डार्क के लिए बात करूं क्या फॉर्मूला होता है, 2n-1, राइट, ये वाला लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d। अब इसमें एन की वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो, थर्ड डार्क फ्रिंज बोला है तो 3 रखोगे, 3 × 2 = 6 − 1 = 5 आ जाएगा ये, सो 5 λ/2d। अब इन दोनों में डिफरेंस पूछा है, इन दोनों में गैप पूछा है, तो गैप पूछा है सीधी सी बात, सबट्रैक्ट कर दो दोनों को, तो 5 ये 5/2 है, सबट्रैक्ट करोगे तो 5/2 ही बचेगा, तो जो गैप आया डेल्टा वाई व्हिच इज 5/2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 4 × 10⁻¹, कैपिटल डी इज आल्सो गिवन व्हिच इज 1 मीटर एंड स्मॉल डी इज 1 mm, राइट, 10⁻³ ये आ गया, इसे कट करो -4 बचेगा ये, बाकी ये 2 × 5 × 10 10 × 10⁻⁴ मीटर, और 10⁻³ मीटर हो जाएगा, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 1 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
18th, two slits are separated by a distance of 0.5 mm and illuminated with light of wavelength this. If the screen is placed 2.5 meter from the slits, the distance of the second bright fringe from the center will be. Second bright fringe ki distance kuch is center se. Again, y equals to n lambda, capital D by small d, simple formula based. N ki value kitni hai yahan par? Second, 2 rakh denge. Lambda kitna hai? 6000, means 6 into 10 to the power minus 7. कैपिटल डी जो है वो अपन को गिवन है यहाँ पर 2.5 मीटर 2.5 मीटर रख देंगे एंड स्मॉल डी 0.5 एमएम मतलब 0.5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 तो माइनस 3 कट कर दो ये माइनस का 4 बचा बाकी ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो 5 से कट करो 5 और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा ठीक है तो ये 10 टू द पावर माइनस 3 आ गया और ये 6 बचेगा यहां पर 6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 व्हिच मींस 6 एमएम इसका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें आइए इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज ऑफ एन एएम वेव आर वी मैक्स एंड वी मिनिमम रेस्पेक्टिवली देन द मॉड्यूलेशन फैक्टर मींस मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा आपसे देखिए एएम की बात करें अपन तो एएम कुछ इस टाइप से मैं ड्रॉ कर सकता हूं एनवलप जो होता है कैरियर वेव का वो जो मैसेज सिग्नल होता है उस मैसेज सिग्नल को बताता है तो ये कुछ इस टाइप से वेव जो है जनरेट होती है दिस इज एएम राइट और ये रेफरेंस लाइन अपन यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं So this is Vmax and this is Vmax, right? And this is Vminimum. तो Vmax and Vminimum को अगर मैं add करके 2 से divide कर दूँ, तो मैं इस वाली line पे आ जाऊँगा. मतलब carrier wave का जो amplitude है ना, उस amplitude को बताएगा. So Vmax plus Vminimum by 2. So AC is equal to Vmax plus Vminimum by 2. ये तो आगे AC. अब हमें AM की बात करनी. AM मतलब जो मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड पता करना है तो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड डेफिनेटली यही तो होगा यही तो गैप होगा अब ये कैसे कैलकुलेट करें तो इसमें से ये वाला सबट्रैक्ट कर दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगा ये वाला इसका हाफ कर दोगे तो ये एएम आ जाएगा तो इसका मतलब एएम जो है वो वी मैक्स माइनस वी मिनिमम बाय 2 के इक्वल आ जाएगा क्लियर काफी सिंपल है और मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है एएम वो किसका रेशियो होता है सॉरी म्यू किसका रेशियो होता है एएम अपॉन एसी इसमें इसमें ऊपर वाले को डिवाइड करना है तो वैल्यू क्या आ जाएगी Vmax माइनस Vminimum अपॉन Vmax प्लस Vminimum फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है काफी और हमें ऐसा लगता है कि n टाइप नेगेटिव टाइप है ठीक है नेगेटिव टाइप है लेकिन उसमें कोई चार्ज नहीं होता नेट चार्ज जीरो होता है p टाइप में भी नेट चार्ज जीरो होता है n टाइप का मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और p टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं लेकिन होते न्यूट्रल हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सेकंड इन am द टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स शुड नॉट एक्सीड 1 और एल्स देखिए सीधी सी बात है म्यू की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए अदरवाइज जब डीमॉड्यूलेशन होता है ना वहां पर सिग्नल को अपन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअल सिग्नल था वो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे ओके द सिस्टम क्यों फेल होगा डिस्टॉर्शन विल रिजल्ट ऑब्वियसली सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन आ जाएगा जो एग्जैक्ट जो सिग्नल था ना वो नहीं मिलेगा अपन को है ना डिस्टॉर्शन आ जाएगा एम्पलीफायर कोई डैमेज नहीं होगा नन ऑफ द वो बेस्ट आंसर क्या है इसका सेकंड पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्मड व्हेन देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर सीधी सी बात है इंप्योरिटी जो है वो ट्राइवेलेंट की अपन को इंक्लूड करनी पड़ती है ट्राइवेलेंट इसके अंदर कौन कौन से हैं देखो एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है ठीक है बोरोन भी ट्राइवेलेंट है तो इसका बी और सी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 23 द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू गेट स्मूथ डीसी आउटपुट फ्रॉम ए रेक्टिफायर सर्किट इज कॉल्ड फिल्टर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है काफी हाँ तो जो भी रिपल्स बनते हैं ना उन रिपल्स में से जो एसी जो कंपोनेंट जो हैं वेव्स के उनको रिमूव करने के लिए हमें लो पास फिल्टर को यूज करना पड़ता है इसके अंदर जनरली अपन कैपेसिटर इंडक्टर का यूज करते हैं तो काफी फेमस चीज है ये आंसर आ जाएगा इसका फिल्टर ओके इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड देयर आर ओनली इलेक्ट्रॉन्स ओनली होल्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ओनली फिक्स्ड आयंस देखिए डिप्लीशन रीजन में सीधी सी बात है डिप्लीशन रीजन बनता क्यों है ये पी टाइप है ये एन टाइप है पी से होल इधर जाते हैं एन से इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं रिकॉम्बिनेशन होता है एंड देन फाइनली अल्टीमेटली यहाँ पर पी की तरफ नेगेटिव क्योंकि यहाँ एक्सेप्टर बैठे होते हैं और एन की तरफ डोनर्स बैठे होते हैं तो फिक्स्ड आयंस जो है जनरेट हो जाते हैं ठीक है तो फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट है
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सर्किट विल शो नॉट करंट इन द मीटर। फॉरवर्ड बायस में अगर होंगे डायोड तो ऑब्वियसली करंट को पास करेंगे, रिवर्स बायस में तो करंट को पास नहीं करेंगे तो मीटर की रीडिंग नहीं देगा। तो इसमें से कोई सा भी देख सकते हो आप, जैसे ये वाला है दोनों फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि देखो हाई और लो, इधर वाला हाई इधर वाला लो, करंट पास करेगा। इसमें देखो ये वाला रिवर्स बायस में आ जाएगा, बैटरी यूं है रिवर्स बायस में, ये पास नहीं करेगा लेकिन ये तो पास कर देगा ना, तो करंट ऐसे पास हो जाएगी। इसमें देखो दोनों फॉरवर्ड बायस में तो करंट पास हो सकती है। इसमें देखो अगर इसकी बात करें तो ये तो चलो ठीक है फॉरवर्ड बायस में आ रहा है, लेकिन ये वाला रिवर्स बायस में ना तो ये ब्लॉक कर देगा, तो पूरे सर्किट में ही करंट नहीं जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 26। इन द गिवन फिगर विच ऑफ द डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस्ड, कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस के अंदर हैं इनका हमें पता करना है जी। तो ए बी सी डी ई चार हैं, चलिए देखते हैं। ये डायोड ये 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये वाला हाई पे आ गया ना, ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है, एन साइड हाई पे आ गया इसका मतलब रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। बी पे चलते हैं, बी पे देखो गौर से, ये 10 है ये 5 है, तो हाई पे ये कौन सा पी एंड है ना, इसका मतलब करंट को ऐसे पास कर देगा, तो ये वाला सही है। सी को देखें तो ये 0 है और ये माइनस का 10 है, तो ऑब्वियसली 0 ज्यादा है ना, तो ऐसे जानी चाहिए करंट, लेकिन ये पास नहीं करेगा, ये गलत है। डी पे आइए, माइनस का 12 माइनस का 5, माइनस का 5 ऑब्वियसली माइनस के 12 से ज्यादा होता है, तो करंट यूं पास होगा, तो ये वाला सही है। इस पे आ जाइए, 0 है ये माइनस का 10 है, ऑब्वियसली 0 माइनस 10 से ज्यादा होता है, करंट को ऐसे पास होगा, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी डी ई। बी डी ई जो है वो केवल और केवल सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन द गिवन सर्किट फॉर आइडियल डायोड द करंट थ्रू द बैटरी इज, आइडियल डायोड है तो सीधी सी बात है, कोई रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं करना, ना कोई नई वोल्टेज भी अपन को इंक्लूड करना है, तो करंट ऐसे पास हो जाएगी, हाई इधर है लो इधर है, तो करंट यू पास होगी, फॉरवर्ड बायस में आ गया। 5 एंड 5 कितना आ जाएगा, 10 बाय 10 1 एम्पियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 1.0 एम्पियर, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसड्यूसर। देखो ट्रांसड्यूसर सीधी सी बात है, जो भी सेंसर टाइप में, आप ये कह सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या लाइट एनर्जी, मतलब एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, कौन, ट्रांसड्यूसर। लाउड स्पीकर ऑब्वियसली करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एम्पलीफायर ना जी ना, ये तो केवल एम्पलीफाई करता, बूस्ट करता है सिग्नल को। माइक्रोफोन, यस माइक्रोफोन करता है, इसको साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा नो ट्रांसड्यूसर है, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। टू आइडियल डायोड्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑन द सर्किट, द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इज। देखिए डायोड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, आइडियल मानना ही है अपन को, हालांकि आइडियल दे ही रखा है आपको। D1 D2 करंट को हाई इधर है लो इधर है, तो करंट ऐसे पास होगी, ये पास कर देगा लेकिन ये वाला पास नहीं करेगा क्योंकि रिवर्स बायस में आ गया, तो करंट यूं जाएगी, तो करंट यूं जाएगी, तो 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये तो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, 10 5, तो 5 बाय 10 इसमें करंट फ्लो होगी, विच इज 0.5 एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। आइए, इन द गिवन डिटेक्टर सर्किट द सुटेबल वैल्यू ऑफ द कैरियर फ्रीक्वेंसीज, कैरियर फ्रीक्वेंसी की सुटेबल वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखिए कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है डीमोड्यूलेटर, ये डीमोड्यूलेटर है, कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होनी चाहिए एज कम्पेयर टू 1/RC के, है ना, 1/RC से ये काफी ज्यादा होना चाहिए। आरसी की जो वैल्यू यहाँ से अगर अपन देखें तो ये 1000 है, 10^-12 है, कितना आ जाएगा, 10^-9, 10^-9 ये डिवाइड में है आरसी की वैल्यू, तो ये ऊपर जाएगा, तो एफसी जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, 10^9 हट जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये टाइम का है, 1/T है ये, ठीक है, तो हट जा जाएगा, तो एफ सी जो है वो 10^9 से काफी लार्ज होना चाहिए। द कंट्रीब्यूशन इन द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू ए सेमी कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर 3/4, 1/4 रेस्पेक्टिवली। देखो करंट जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होगी उसको क्या लिखेंगे अपना, एनी कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इंटू ए इंटू वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी डी लिख देते हैं, और होल्स के लिए क्या होगा, एनएच ई ए वी डी एच, ओके। अब ये कह रहा है ये 3/4 है टोटल करंट का और ये 1/4 है, तो इसको मैं डायरेक्टली 3/4 लिख देता हूँ और इसको 1/4 लिख देता हूँ, ठीक है, और बाकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, दैट मीन्स ये जो कंसंट्रेशन है इन दोनों का, ठीक है, हालांकि इसने अच्छा कंसंट्रेशन डिफरेंट दे रखी है इसने, तो एन ई एन एच अपन कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, तो इंट्रिंसिक का नहीं कह रखा है, नहीं तो अदरवाइज सेम हो जाता दोनों उधरों, तो कंसंट्रेशन का रेशो पूछे तो एनी बाय एनएच पूछा है अपन से, दोनों को डिवाइड कर देते वैल्यू कितनी आएगी, 3/1 एनी बाय एनएच,
ये वाला पार्ट कट जाएगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन वो भी दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल एक्ट अपॉन 5 बाय 2 टाइम्स दैट ऑफ द होल्स, तो VDE अपॉन VDH कितना आ जाएगा 5 बाय 2, ये इधर जाएगा 2, ये 5 इधर जाएगा, तो 6 बाय 5 जो इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इफ बीटा आर एल एंड स्मॉल आर आर द एसी करंट गेन, लोड रेजिस्टेंस एंड द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर रेस्पेक्टिवली इन सी कॉन्फिगरेशन, द वोल्टेज एंड द पावर गेन्स रेस्पेक्टिवली आर, तो वोल्टेज और पावर गेन क्या होने चाहिए। देखो वोल्टेज गेन, ये देखो कॉमन इमीटर कॉन्फिगरेशन का पार्ट है और एम्पलीफायर वाला पार्ट का ये क्वेश्चन है और ये बहुत ही फेमस है। देखिए वोल्टेज गेन अगर पूछे तो बीटा करंट गेन इनटू में आर एल अपॉन में स्मॉल आर, आर एल क्या लोड रेजिस्टेंस होता है और स्मॉल आर जो कॉमन इमीटर कॉन्फिगरेशन में बेस और इमीटर जंक्शन है ना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कह सकते हो आप या सर्किट का रेजिस्टेंस कह सकते हो, तो ये वोल्टेज गेन हो जाएगा। और पावर गेन जो है वो बीटा स्क्वायर, बीटा इंटू में वोल्टेज गेन होता है तो बीटा स्क्वायर इंटू में आर एल अपॉन में स्मॉल आर हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 33, व्हेन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर देन मेनली, देखिए ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये बेस है, ये कलेक्टर और ये एमिटर, फॉरवर्ड बायस में है, रखेंगे बेस और एमिटर को तो बैटरी को ऐसे ही ज्वाइन करना पड़ेगा अपन को, तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम बेस टू एमिटर, देखिए बेस टू एमिटर करंट जा रही है तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिटर टू बेस जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन इमिटर टू बेस जाएगा, और होल्स की बात करें तो होल्स डेफिनेटली बेस टू इमिटर जाएंगे, लेकिन बेस में होल्स कंसंट्रेशन बहुत कम होती है ना, तो उसका इफेक्ट न के बराबर होता है क्योंकि मेनली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन आंसर क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम इमिटर टू बेस। ओके चलिए, कंसीडर एन एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन, द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100, इफ द कलेक्टर करंट चेंजेस बाय 1 मिली एम्पियर, व्हाट विल द चेंज इन द इमिटर करंट। देखिए आपको करंट गेन दे रखा है इसमें कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन में जो कि बीटा होता है, एंड बीटा इज 100, आईसी की वैल्यू हमें दे रखी है 1 मिली एम्पियर, ठीक है, और हमसे इमीटर करंट का पूछा है। यहां पर देखिए अल्फा निकालना पड़ेगा अपन को, अल्फा क्या होता है बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा, बीटा इज 100, 1 प्लस बीटा इज 101, ये अल्फा आ गया, और अल्फा जो है वो किसका रेशियो होता है, अल्फा होता है आईसी अपॉन में आईई, हमसे पूछा आईई की वैल्यू, आई बराबर आईसी अपॉन में अल्फा, और IC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, IC की वैल्यू 1 मिली एम्पियर और अल्फा की वैल्यू 100 इनटू 101, 101 ऊपर चला जाएगा तो 101 बाय 100 1.01 मिली एम्पियर, सेकंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। एक कॉमन इमिटर एम्पलीफायर गिव्स एन आउटपुट ऑफ 3 वोल्ट फॉर एन इनपुट ऑफ 0.01 वोल्ट, इफ बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर इज 100 एंड द इनपुट रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम देन द कलेक्टर रेजिस्टेंस इज, देखिए इनपुट रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, अभी अभी देखा था हमने बीटा इनटू में आर एल को लिख सकते हो आरसी अपॉन में स्मॉल आर, है ना, दिस इज वोल्टेज गेन, एंड वोल्टेज गेन जो है आपको देखो आउटपुट कितना दे रहा है 3 वोल्ट दे रहा है और इनपुट वोल्टेज इतना है, तो वोल्टेज गेन कितना आएगा 3 अपॉन में 0.01, ठीक है, विच मीन्स ये ऊपर लेके जाओगे तो 300 हो जाएगा, बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 100, आरसी कलेक्टर करंट पूछा रेजिस्टेंस पूछा हमसे और स्मॉल आर जो है वो 1 किलो ओम है, 1 के ही रख देते हैं इसको, और यहां से 0.0 ये कैंसिल आउट हो गया, 1 किलो मीटर जाएगा तो 3 किलो मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए टू जंक्शन डायोड्स वन ऑफ जर्मेनियम, देखो दो डायोड्स हैं जर्मेनियम सिलिकॉन के और इनका आपको जो नी वोल्टेज है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है, मेंशन कर रखा हो तो, बाकी यहां पर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इसका 0.3 इसका 0.7 है, कनेक्शन कर रखा हमने और हमसे पूछा है कि वाई जो है उसका पोटेंशियल कितना होगा, ये ग्राउंड कर रखा हमने 0 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल पूछा है हमसे, तो कर सकते हैं आसानी से कैलकुलेट। देखो जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों फॉरवर्ड बायस में नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जर्मेनियम का नीम वोल्टेज कम है तो जर्मेनियम पहले कंडक्ट करेगा और पहले कंडक्ट करेगा दोनों के लिए, अगर आइडियल डायोड की तरह अगर अपन ट्रीट करें तो जर्मेनियम का जो ग्राफ आएगा ना वो ये वाला आएगा और सिलिकॉन का जो ग्राफ आएगा वो ये वाला आएगा, जर्मेनियम के लिए 0.3 है और ये जर्मेनियम के लिए 0.7 है। अब मेन बात ये है कि जो भी जिस पॉइंट पे भी ये दोनों के दोनों डायोड काम कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं वो पॉइंट टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए और दोनों के दोनों ग्राफ पर लाइक करना चाहिए, मेन बात ये है।
तो अगर मैं ये कह दूं कि जर्मेनियम जो है वो एक्टिव मोड में आ चुका है, तो इस पॉइंट पर ये वर्क कर रहा है जर्मेनियम, ठीक है, ये डायोड। और ये पॉइंट जो है सिलिकन वाली ग्राफ के लिए भी मैच खा रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सिलिकन वाला जो है वो 0.7 पे ये वर्क कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट इस जर्मेनियम के लिए अपन मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो जर्मेनियम जो है वो वर्क करेगा, 0.3 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप आ जाएगा, इसके क्रॉस भी वही रहेगा, लेकिन ये कंडक्ट नहीं करेगा उस समय। तो यहाँ 0.3 का ड्रॉप हुआ, ये 12 है, तो 12 - 0.3 अगर अपन करें तो 11.7 वोल्ट जो है इस वी वाई का पोटेंशियल अपने पास आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें, आइए। द लॉजिक सर्किट शोन बिलो हैज द इनपुट वेवफॉर्म ए एंड बी एज शोन, पिक आउट द करेक्ट आउटपुट वेवफॉर्म। करेक्ट आउटपुट वेवफॉर्म उनसे पूछा है यहां पर, ठीक है, ओके, पूछा है। देखो ये दोनों के दोनों नॉट गेट हैं, तो ये ए का और ये बी का बार आ जाएगा ना नॉट गेट। अभी ए बार बी बार है, यहां से ये नॉर गेट दिख रहा है, ठीक है, ये नॉर गेट है, और नॉर गेट के लिए अगर अपन बात करें तो यहां आ जाएगा ए बार प्लस बी बार का होल बार, ठीक है, ए बार प्लस बी बार का होल बार। इसको अपन बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हैं, तो ए बार का बार डॉट बी बार का बार, बी आ जाएगा, बार हट जाएगा, तो ए डॉट बी आ जाएगा। तो ये एक तरीके से एंड गेट की तरह बिहेव करेगा, तो एंड गेट के अकॉर्डिंग अपन को आंसर देना है। तो इसमें इनपुट वेवफॉर्म देखिए पहले पहले क्या है, फर्स्ट में अगर बात करें तो ये देखो 1 दे रहा है इसमें, है ना, ये 1 है ना, 1, इसमें भी 1, 1 1 देंगे तो आउटपुट भी 1 आना चाहिए। तो आउटपुट 1 किस किस में है, इस वाले में भी है, इस वाले में भी, उस वाले में भी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, उसमें नहीं है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाले में देखिए, इसमें 0, इसमें 0, तो इसमें भी 0 आना चाहिए, 0 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, वो भी ठीक है। इसमें देखो ये 0 और ये 1, 1 0 दोगे तो 0 आना चाहिए, 1 0 दोगे तो 0 आना चाहिए। तो देखो इसमें नहीं आ रहा, इसमें 0 आ रहा है और उसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों में अब कॉम्पिटिशन चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला 1 है, ये वाला 0, तो अगेन 0 आना चाहिए, लेकिन इस वाले पार्ट में 1 आ चुका है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन इसमें अभी भी 0 है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। एंड फर्दर देखो तो 1 1, तो 1 आएगा, तो ये 1 आ ही रहा है, बाकी ये 0 0, तो 0 आ रहा है। इसका मतलब फाइनली फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 38th, फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, इफ लॉजिक स्टेट्स ऑफ इनपुट्स ए बी सी आर फॉलोज एज ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0 एंड ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 1 कॉमा सी इक्वल्स टू 0, देन लॉजिक स्टेट्स आउटपुट डी आर। तो डी के आउटपुट पूछे हैं, काफी सिंपल है। देखिए ए बी सी सबको 0 0 अगर मैं कंसीडर करूं, 0 0 0 0 0 और गेट है तो 0 आएगा, ये 0 है, ये 0 है, 0 0 का ये नैंड गेट है, 0 0 का 0 होने के बाद उल्टा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट में 1 आना चाहिए, 1 भैया इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ए बी को 1 देना है और सी को 0 देना है, ध्यान से देखना। अगर सी को मैं 0 ही दे रहा हूँ यहाँ पर, ए और बी को कुछ भी दूं, तो ये 0 इंटू में जो भी आएगा वो 0 ही आएगा, और 0 को उल्टा 1 ही तो आना है, तो इसका मतलब 1 ही आएगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0 दे रहा है तो ये गलत हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो गया। 39th, टू गेट एन आउटपुट 1 फ्रॉम द सर्किट शोन द फिगर, द इनपुट मस्ट बी, आउटपुट आपको 1 लेके आना है, तो इनपुट क्या होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज तो मस्ट है, अगर ये 1 है तो ये तो चलो ठीक है, ए और बी टर्मिनल पे ये डिपेंड करेगा ये वाला लाइन, लेकिन ये एंड गेट है तो ये मस्ट जरूरी है कि सी की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए और इसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। तो सी 1 देखो ना, सबसे पहले सी तो 1 में ही दे रहेगा खाली, खत्म, ये आंसर आ गया, है ना, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। और ए और बी की वैल्यू 1 0 रखोगे तो ये 1 0 और गेट है तो 1 ही आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। तो ये था 40th, ओके, 39th डिस्कस कर लिया हमने। आइए 40th क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए फोटोडायोड इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द कंडक्टिविटी चेंजेस ओनली व्हेन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन 620 नैनोमीटर, द बैंड गैप ऑफ द डायोड इज। सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सो बैंड गैप ई इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, हियर एच सी इन एंगस्ट्रोम की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, तो 12400 ओम में लैम्डा इन एंगस्ट्रोम लिख सकते हो, 620 नैनोमीटर है तो 6200 हो जाएगा ये, और ये ईवी के अंदर आ जाएगा। 0 0 कैंसिल आउट हुआ, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, 41, When the reverse potential in the semiconductor diode are 10 volt and 20 volt, then the corresponding reverse current are 25 microampere and 50 microampere respectively. The reverse resistance of the junction diode will be. काफी आसान है भैया, देखो
एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस पूछे तो चेंज इन वोल्टेज अपन चेंज इन करंट को रखना है, डायनेमिक रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर रेंज दे रखी है अपन को, उसी अकॉर्डिंग काम करना। तो चेंज इन वोल्टेज कितना है, 10 से 20 गया, तो चेंज कितना है 10। अपन रेजिस्टेंस करंट की बात करें तो 25 से 50, तो अगेन 25 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो बोले तो 10^6 ऊपर चला गया। इसमें एक जीरो कैरी कर लेंगे, यहां से 5 आ गया, ये आ जाएगा 4, 4 × 10^5 ओम, 4 × 10^5 ओम जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। आइए, इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 किलो ओम रेजिस्टर इज, 1 किलो ओम रेजिस्टर से हमसे करंट पूछी है, करंट कितनी पास होगी। ओके, तो ये सर्किट हमें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, मस्ट है, कि क्या जीनर डायोड जीनर रीजन में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जीनर डायोड जीनर रीजन में वर्क करेगा। अगर वर्क कर रहा है तो ये वाला हाई पोटेंशियल पे आएगा, ये वाला लो पोटेंशियल पे आएगा। इसको जीरो मान लेता हूं मैं, 0 वोल्ट। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट। तो 5 ही 0, तो 5/500, इस वाले ब्रांच में करंट कितनी जाएगी, 5/500, या आगे 1/100, 1/100 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 mA जो है करंट इसमें से पास हो रही है। इसको साइड में लिख देते हैं। अब इसके क्रॉस देखें तो 10 - 5, तो इसके क्रॉस 5 वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, और 5 वोल्ट में अगर 1 किलो ओम को डिवाइड कर दूं तो इसमें करंट पास हो रही है 5 mA। तो सीधी सी बात है, 5 mA इधर से जा रही है, 10 mA इधर जा रही है, इसका मतलब करंट यूं आ रही है, इसके अंदर ऊपर जाएगी 5 mA, और ऊपर जाने का मतलब ये तो फॉरवर्ड बायस में हो गया, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन के अकॉर्डिंग किस बायस में, रिवर्स बायस के अंदर है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब जीनर डायोड जो है जीनर रीजन में वर्क नहीं कर रहा है, और वर्क नहीं कर रहा है इसका मतलब रिवर्स बायस में वर्क कर रहा है, तो इसमें से अपन करंट को कंसिडर नहीं करने वाले। तो इस डायोड को आप हटा दीजिए, 1 किलो ओम और 500 जो ओम है, मतलब 1.5 किलो ओम बोल सकता हूं मैं, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, और 10 वोल्ट है, इनमें से पास होने वाली करंट कितनी आ जाएगी, 10/1.5 किलो ओम। राइट, 1.5 किलो ओम तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट, या किलो ओम है तो मिली में रहने दो इसको, तो 10/1.5 आ गया, ये 0 0, और ये 5 3 20/3, 6 पॉइंट समथिंग, अच्छा 6.7 mA जो इसका आंसर आ जाएगा, 42 का फर्स्ट, 43 पे आ जाइए। इन द फिगर ए कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन ऑन एनपीन ट्रांजिस्टर विदाउट करंट गेन, विद करंट गेन बीटा इक्वल्स टू 100 इज यूज्ड, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एम्पलीफायर विल बी। अगेन सिंपल क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया आर बी है ना, आर आई हो गया, ये हो जाएगा आर एल, इनपुट वोल्टेज कितना देगा, 1 mV। ठीक है, काफी आसान होता है, ये जो कैपेसिटर लगे ना, इनका इंपीडेंस बहुत कम होता है, नए के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि कोई डाटा भी नहीं दे रखा अपन को, तो ये एक तरीके से जो डीसी जो सिग्नल होता है ना इन बैटरी का, उसको पास नहीं करने देता कैपेसिटर, एसी फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज या करंट जो वो इसमें से पास होती है। तो हमें यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट पूछा, तो वी ओ इक्वस टू वी आई इंटू बीटा, बीटा इज 100 इंटू में आर एल बाय आर आई, हियर आर एल इज 10 किलो ओम एंड आर आई इज 1 किलो ओम, किलो से किलो कट जाएगा, और वी आई जो है इनपुट वोल्टेज दैट इज 1 mV। राइट, दिस इज 1000 एंड दिस इज 1 mV, द आंसर इज 1 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर इसका जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 44, द अरेंजमेंट ऑफ नेंड गेट्स शोन बिलो इफेक्टिवली वर्क एज, तो जो भी नैंड गेट बना है, नैंड गेट से जो भी हमने असेंबली बनाई है, ये किसकी तरह बिहेव करता है, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नोर गेट, तो चलो देखते हैं। ये ए है, जब दोनों टर्मिनल आपने शॉर्ट कर रखे हो, नैंड गेट हो ना, तो ये ए का अपोजिट, मतलब ए बार आ जाता है यहाँ पर, ये बी आ रहा है यहाँ पर, ए बार बी, ये नैंड गेट है, इसका आउटपुट क्या आएगा, ए बार डॉट बी का बार यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो सिग्नल आ रहा है ये वाला आएगा। अब इसको है ना बूलियन अलजेब्रा से अपन डील कर सकते हैं, देखो ए बार बार प्लस बी बार, ए बार बार मतलब ए प्लस बी बार, ये आ गया, ये वाला है, और ये तो डायरेक्टली बी जा ही रहा है यहां से। अब इन दोनों का नैंड गेट से पास होने के बाद क्या बनेगा, देखो ए प्लस बी बार डॉट बी, नैंड के अकॉर्डिंग और एंड के अकॉर्डिंग, और नैंड के अकॉर्डिंग बार लगा दीजिए आप, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी बार, बी डॉट बी बार कितना होगा, 0, क्योंकि बी अगर 1 है तो बी बार 0 0 होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या आया, ए डॉट बी का बार, और ए डॉट बी का बार क्या होता है, नैंड गेट होता है जी, तो थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। आइए, जर्मेनियम स्पेसिमेन दे रखा आपको विद एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम बोले तो एक्सेप्टर है, द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम इज
आपको ये गिवन है, ठीक है, गिवन दैट द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज 10^9 पर मीटर क्यूब, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पेसिमेन इज, देखिए मास एक्शन लो आप सब लोग जानते हो, Ne into NH equals to Ni square. और अगर ये एक्सेप्टर हैं एल्यूमिनियम तो होल्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है ना, तो NH जो है अपन को दे रखा है 10^21, Ne अपन को फाइंड आउट करना है, और Ni square, देखो इंट्रिंसिक कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है 10^19, तो 10^19 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा ये 38, ठीक है 38 आ गया, तो Ne कितना आ जाएगा फिर 10^38 और डिवाइड में आएगा तो -21 या 8 - 1 7, तो 17 आ जाएगा 10^17 पर मीटर क्यूब, ये इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होगी स्पेसिमेन के अंदर, ओके चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज मेड टू वेरी इन द प्रोपोर्शन टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑडियो सिग्नल, द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज मेड टू, देखो सीधी सी बात है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर जो मैसेज सिग्नल होता है उसके अकॉर्डिंग जो कैरियर वेव का जो जो एम्पलीट्यूड होता है वो चेंज होता है। मैसेज सिग्नल अगर ये है और ये कैरियर वेव है, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो अल्टीमेटली अपन को रिजल्ट कैसा नजर आएगा, करेक्ट, ऐसे तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, जो एनवलप है इस मॉड्यूलेटरी सिग्नल का, वो मैसेज सिग्नल को बताता है, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, कैसे देखो जैसे ये कैरियर वेव है ये, या मैसेज सिग्नल है ये मैसेज सिग्नल है और ये कैरियर वेव, ठीक है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी, जैसे यहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी इसकी, और यहां एम्पलीट्यूड कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, ऐसे फिर जहां एम्पलीट्यूड बढ़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ओके ऐसे इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, और अगर आप रीड करो इसको इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो है वो फोर्थ हो जाएगा। देखिए इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज मेड टू वेरी इन प्रोपोर्शन टू द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो सिग्नल, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। 47th, इन ए कॉमन मीटर एम्पलीफायर आउटपुट रेजिस्टेंस इज 5000, इनपुट रेजिस्टेंस 2000 ओम, इफ पीक वैल्यू ऑफ सिग्नल वोल्टेज इज 10 मिली वोल्ट, बीटा इज 50, देन द पीक वैल्यू द आउटपुट वोल्टेज इज, अगेन वही सेम चीज, VO इक्वल्स टू VI इनटू बीटा RL by RI. Here VI is 10 millivolt, beta is 50, RL. RL is load resistance or output resistance which is 5000. And input resistance is 2000. ठीक है? इसे कट कर दो, 0 0 cancel out हो गया ये. इसे कट कर दो, ये 25 आ गया. और 25 into 5, 125 हो जाएंगे. 1250 into 10^-3 volt. अब ऑप्शन किसके अंदर दे रखा है वो देखना पड़ेगा अपन को, तो 10^-3 डिवाइड कर दो तो 1.25 वोल्ट जो इसका आंसर आ जाएगा, तो 47th का थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 48, रेफर द सर्किट गिवन बिलो, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इज मेजर्ड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, 1 किलो ओम दे रखा है यहाँ पर रजिस्टर, और इनपुट ध्यान रखना यहाँ पर 5 वोल्ट पीक टू पीक साइनसोइडल वेव है, पीक टू पीक, इस चीज को समझना, इस टाइप से ये वेव आ रही है, रेफरेंस है, पीक टू पीक का मतलब यहाँ और यहाँ के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 वोल्ट का है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको जीरो कंसीडर करूँ तो ये 2.5 प्लस का आएगा और ये माइनस का 2.5 आएगा, इस चीज का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, और आउटपुट पे देखना है हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। देखो पहला कह रहा था पीक वैल्यू वी नॉट इज 2.5 वोल्ट अबव द मिनिमम इफ द डायोड इज अज्यूम टू बी आइडियल, क्या ये सही है? देखो ये रेफरेंस लाइन है ना ये वाली, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना ये वाला, इस पॉइंट को मुझे लेना जीरो, ये हमेशा ध्यान रखना, नहीं दे रखा तो अपन को जनरली रेफरेंस जीरो लेते हैं, जीरो से ऊपर ये वाला 2.5 है, तो 2.5 राइज होगा फिर डिक्रीज होगा, जब राइज होगा ये वाला हाई पे है ये वाला लो पे है, तो ये डायोड किस बायस के अंदर आ जाएगा, रिवर्स बायस के अंदर आ जाएगा, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसका मतलब इन इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, करंट तो जा नहीं रही यहां से, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 2.5 वोल्ट के एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा अगर ये पीक पे और ये जीरो पे, राइट, राइज हो रहा है, ए का 2.5 पे आएगा, और जब ये रिवर्स बायस में जाने लगेगा तो ये वाला जीरो है ये माइनस में नेगेटिव में जाने लगेगा, तो ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट कर जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट होने का मतलब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो कुछ इसका डायग्राम अगर अपन बनाए आइडियल डायोड के केस में तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो यूं जाएगा फिर यूं जाएगा, ठीक है, इस टाइप से ये 2.5 आने वाला है, ये कन्फर्म है,
मिनिमम वैल्यू से 2.5 वोल्ट जो है वो मिलेगा, और अगर आप डायोड को आइडियल अज्यूम करते हो तो ये आंसर इसका है। तो ये कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये सही हो गया। द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट इज क्लिप्ड, नहीं, नेगेटिव हाफ साइकिल जो है इसमें क्लिप हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। द सर्किट एक्ट एज ए रेक्टिफायर, ऑब्वियसली सर्किट एज ए रेक्टिफायर की तरह बिहेव कर रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव तो नहीं है, हाफ वेव तो है ना। द पीक वैल्यू वी नॉट इज अबाउट 3.2 वोल्ट अबव द मिनिमम इफ डी इज सिलिकॉन डायोड। देखो कि सिलिकॉन डायोड है तो जब तो रिवर्स बायस में तब तो ठीक है, ओपन ओपन सर्किट के केस में ऐसा ही डायग्राम बनेगा यहाँ तक, ये तो ठीक है। लेकिन जैसे ही फॉरवर्ड बायस में आया तो फॉरवर्ड बायस में अपन को पता कंडक्ट करने के लिए सीधी सी बात है, जैसे ये जीरो है, माइनस का है तो ये अपोज करेगा, ऐसे बैटरी बनेगी है ना। और सिलिकॉन के लिए अपन को मालूम है 0.7 वोल्ट होता है, न्यू वोल्टेज 0.7 वोल्ट। तो जब तक ये 0.7 वोल्ट नहीं हो जाता है ना, क्योंकि 0. क्योंकि जैसे ये 0.7 से ज्यादा होगा है ना, ज्यादा होगा नेगेटिव के अंदर अगर मैं बात करूं, तो फिर इसके क्रॉस फिक्स वोल्टेज आ जाएगा 0.7। तो मतलब ये रहा नेगेटिव में 0.7 की बात करें, यहां पर ये कर्व यूं जाएगा, 0.7 पे फिक्स हो जाएगा, फिर वापस जम करेगा, इस तरीके से ये कर्व बनेगा है ना। तो ये 0.7 है नेगेटिव का, माइनस का 0.7। ये कह रहा है पीक वैल्यू वी नॉट इज अबाउट 3.2 वोल्ट अबव द मिनिमम, मिनिमम ये है, तो 0.7 से ऊपर चले अपन, तो 0.7 और 2.5 प्लस 0.7 कितना आया, 3.2 आया कि नहीं आया। तो नॉन आइडियल केस में ये 3.2 वोल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, वेव फ्रंट्स इंसिडेंट ऑन एन इंटरफेस बिटवीन मीडिया आर शोन द फिगर, द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स विल बी एज शोन। काफी आसान क्वेश्चन, देखो वेव फ्रंट हमेशा जो लाइट रेज होती है उनके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। लाइट रे अगर मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे बनेगी, तो इसका मतलब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस म्यू 1 दे रखा है, म्यू 2 दे रखा है, तो स्नेल्स लॉ लगा दूं तो 1 × sin 45 विच इज 1/√2 बराबर μ × sin, म्यू मतलब √2 × sin r, यहाँ से √2 गया तो 1/2 गया, sin r बराबर 1/2, मतलब r बराबर आ गया 30 डिग्री। तो मतलब जो लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी ना अंदर नीचे, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री आएगा। और अगर लाइट रे यूं जा रही है तो वेव फ्रंट फिर कैसे बनने चाहिए, वेव फ्रंट ऐसे ही तो बनेंगे, इनके परपेंडिकुलर। तो अगर आपसे पूछे तो कौन सा सही होगा, तो ये तो गलत हो गए, ये दोनों जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। अब इनमें से देखना कौन सा, ये 30 है, 60 है, ये 30 है, ये कितना आ जाएगा, ये वाला ये 60 आ गया, क्योंकि पूरा 90, ये 60 है, ये 90, तो ये अगेन कितना आ गया, 30 आ गया, इसका मतलब ये वाला एंगल 30 ही आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, फॉर द गिवन सर्किट शोन द फिगर फुल वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव कर रहा है, एसी इनपुट शोन, अच्छा ठीक है, आपको ये पूछ रखा है कि अगर आपको फुल वेव रेक्टिफायर की तरह इसको यूज में लेना है तो एसी इनपुट कहाँ कनेक्ट करना है और डीसी इनपुट कहाँ कनेक्ट करना है। देखिए, अगर मैं ए और सी के क्रॉस रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं और बी और डी के क्रॉस अगर मैं सोर्स कनेक्ट कर दूं, ये तो आपको सोचना पड़ेगा, देखो है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा इतना। तो देखिए, जब ये हाई पे होगा और ये लो पे होगा तो करंट ऐसे जाएगी, देखो यहाँ जा नहीं सकती, रिवर्स बायस करंट यूं जाएगी, फॉरवर्ड बायस, फिर यूं नीचे नहीं जा सकती, रेजिस्टेंस में जाएगी, फिर इधर नहीं इधर जाएगी, फिर यूं जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें तो जाना ही नहीं है ना, तो रिवर्स बायस में ही है, तो ये करंट यूं जा रही है देखो। और जब इसको मैं ये वाला लो पे करूं, ये वाला हाई पे करूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट यूं जाएगी, देखो यूं गई, फिर इसमें नहीं जा सकती, फॉरवर्ड बायस मतलब यूं जाएगी करंट, फिर इधर नहीं जा सकती रिवर्स बायस, तो करंट यूं जाएगी, फिर यूं नहीं, यूं जाएगी करंट, एंड देन फिर फाइनली यूं जाएगी, देखो। तो अगर आप गौर करो, दोनों ही केसेस में रेजिस्टेंस में करंट ए से सी की तरफ ही जा रही है, तो ये एक रेक्टिफायर की तरह बिहेव करेगा। तो हमें सोर्स को कहाँ कनेक्ट करना है, बी ओ डी, और जो लोड जो है उसको किसके बीच में कनेक्ट करना पड़ेगा, ए और सी के बीच में। तो बी ओ डी तो आ गया एसी इनपुट्स के लिए और ए और सी आ जाएगा आउटपुट के लिए, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। तो ये था जी हमारा सेक्शन ए, अब हम चलते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन ट्रांजिस्टर सर्किट द बेस करंट इज 35 माइक्रो एम्पियर, The value of RB is alpha in 10^4 ohm, then value of alpha is, देखो कुछ भी ना गिवन हो तो हमें emitter और base के बीच में potential difference क्या मानना है, zero मानना है, तो बस इसमें KVL लगा दो और कुछ भी नहीं है, 7 volt है, 7 volt इसके cross generate होगा, तो 7 equals to ये आ जाएगा अपने पास finally, I ये base current है तो IB into RB, है ना, IB into RB, इसमें KVL लगा दो, और IB आपको दे रखा है 35 micro ampere, then we have RB equals to 7/IB which is 35 micro, मतलब 10^6 ऊपर चला जाएगा, है ना, हो गया यहाँ तक। तो फिर अब
जीरो कैरी कर लो यहाँ से, तो ये 5 आ गया, राइट, 35 है, 70 हो जाएगा। ओके इसे कट करें, 20 आ गया, 2 आ गया, 2 × 10⁵ ohm, लेकिन 20 करना है तो 4 कर दो, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 20, 20, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 45 डिग्री, इफ द एम्पलीट ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन द पोलराइजर इज ए, द एम्पलीट ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर इज ए बाय एन, देन द वैल्यू ऑफ एन इज, ये हमसे पूछा है, ठीक है। देखो अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी जो आई नोट है, लेट्स से, एंड ये जो एम्पलीट्यूड ए दे रखा ना, ये इफेक्टिव वैल्यू है एम्पलीट्यूड की, ठीक है। सो आई नोट प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ओके। ये पोलराइजर है, ये एनालाइजर है, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ये वाली है, इस वाले की ट्रांसमिशन एक्सिस जो है पहले वाले के से 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है। यहाँ से अगर आई नोट इंटेंसिटी की लाइट आएगी, तो इससे पास होने के बाद जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी बचेगी आई नोट बाई टू, और जब इससे पास होगी लाइट तो इससे जो वेव आ रही है इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई नोट बाई टू कोस स्क्वायर 45 डिग्री, ये इंटेंसिटी आ गई। और ये जो इंटेंसिटी है प्रोपोर्शनल टू जो पास होगी वेव, उसका जो एम्पलीट्यूड लेट से ए है, तो ए स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होना मस्ट है। कोस स्क्वायर 45 1 बाई टू हो जाएगा, तो ये आई नोट बाई फोर हो गया, और आई नोट ए स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बाय फोर प्रोपोर्शनल टू, बराबर लिख सकते हो आप इसको ए स्क्वायर, सो ए इज इक्वल टू स्मॉल ए बाय टू। तो यहाँ पर जो एन आपको नजर आ रहा है, इस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, ठीक है, एन इक्वल टू टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर इज इंसिडेंट ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री पोलरॉइड्स, द फर्स्ट एंड द लास्ट पोलरॉइड आर क्रॉस्ड, पहला और लास्ट वाला जो है वो क्रॉस्ड है, इसका मतलब इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस अगर ये वाली है, तो इस वाले की एग्जैक्टली पहले वाले से 90 डिग्री एंगल पर है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द कॉम्बिनेशन बी 3 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट टू पोलरॉइड इज इन द डिग्री, ओके। ये कह रहा है तीसरा पोलरॉइड जो है इसके बीच में इंसर्ट कर रखा है हमने, और उसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है फर्स्ट से लेट से थीटा एंगल पर है। अब यहां से लेट से अनपोलराइज लाइट आ रही है, उसकी इंटेंसिटी आई नोट है जो कि गिवन है ऑलरेडी 32 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, राइट। इससे पास होने के बाद उसकी जो इंटेंसिटी वो बचेगी आई नोट बाई टू, इससे पास होने के बाद जो वेव आएगी इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई नोट बाई टू कोस स्क्वायर थीटा, और इससे और इस वाली जो थर्ड पोलरॉइड है इसके बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ना, तो यहाँ से जो वेव आएगी बाहर की तरफ उसका वाइब्रेशन कुछ ऐसे होगा, और उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो अपन लिख सकते हैं आई नॉट बाई टू कोस स्क्वायर थीटा, जो इसके लिए इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी है, इंटू में कोस 90 माइनस थीटा स्क्वायर, राइट, विच इज साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसकी इंटेंसिटी हमें दे रखी है प्रश्न में 3 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर है, और आई नॉट भी गिवन है 32 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सेटल डाउन कर लेते हैं, आई नॉट बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 आ जाएगा, ऊपर 4 आएगा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर, विच इज साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू आई, एंड हियर आई इज 3 एंड आई नॉट इज 32, ठीक है, तो 8 × 32 4 आ गया, ये 4 जो है इसकी डिवाइड में ले जाओ, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 3/4, तो साइन 2 थीटा जो है वो आ जाएगा अपने पास √3/2, √3/2 60 डिग्री होता है, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 60 आ जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 30 डिग्री। तो हमसे पूछा है एंगल डिग्री के अंदर कितना होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, इन YDC सेटअप सोर्स S ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ आपको गिवन है, दो स्लिट आपको दे रखी है S1 S2, ठीक है, इनके बीच का गैप गिवन है, और ये डिस्टेंस भी आपको गिवन है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो सोर्स है वो वाई एक्सिस के अलोंग इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, और अपन से पूछा जो सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना है। देखिए जब सोर्स यहाँ पर होगा तो सेंट्रल मैक्सिमम कन्फर्म एकदम सेंटर पर बनेगा, और इसके इक्वेशन देखें तो 0.5 sin π t है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड जो है सोर्स का मैक्सिमम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे होगा, सोर्स स्लिट के सामने आएगा, फ्रंट में आएगा यहाँ पर, और जब यहाँ होगा तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एन की वैल्यू जीरो होती है, पाथ डिफरेंस जीरो होता है, तो यहाँ से वेव देखो एक तो सीधी आएगी, एक ही जाएगी,
ठीक है, और ये छोटी है ये बड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये डिस्टेंस ज़्यादा चलेगी और ये वाला डिस्टेंस कम चलेगी, तब जाकर के पार्ट डिफरेंस दोनों जो है वो जीरो हो जाएगा दोनों का, ऐसा पॉसिबिलिटी तभी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ बनेगा, तो जब ये सोर्स यहाँ पे है सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ होगा, और जब सोर्स नीचे वाले स्लिट के सामने आएगा तो सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर बनेगा, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एग्जैक्टली इस लेंथ के इक्वल होगा, और ये लेंथ ही हमें कैलकुलेट करनी है। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देखो थीटा की बात करूं मैं यहाँ पर, जैसे ये एक सेंटर से मैंने लाइन ड्रॉ की, मान लीजिए लाइन है, ठीक है, ये वाला एंगल मैंने थीटा कंसीडर कर लिया, तो इन दोनों पाथ के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो एग्जैक्टली इस लेंथ को बताएगा, और यहां से एंगल मैं ये वाला एंगल मैं ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये वाला एंगल मैंने फाइव मान लिया, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस जो है वो एग्जैक्टली इस लेंथ को बताएगा, और दोनों में ही अगर पार्ट डिफरेंस जीरो है दैट मीन्स ये वाला लेंथ एग्जैक्टली इसके बराबर होनी चाहिए, बराबर होगी तो पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और ये तो पता ही अपन को कि ये डिस्टेंस अगर डी है तो ये लेंथ जो है वो डी साइन फाइव हो जाएगी, और ये लेंथ जो है वो डी साइन थीटा हो जाएगी, तो यहां से साफ साफ नजर आ रहा है डी साइन फाइव इज इक्वल टू डी साइन थीटा, डी से डी यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अब बात करते हैं साइन फाइव की, साइन फाइव फाइव इज वेरी वेरी स्मॉल, साइन फाइव को फाइव लिख सकता हूँ, फाइव आ जाएगा ए अपॉन में टू, ए बाई टू है ना, साइन फाइव फाइव हो जाएगा और फाइव बराबर लिख सकता हूँ आर्क अपॉन रेडियस ए बाई टू, और इधर देखें साइन थीटा थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ये कितना दे रखा अपन को, डी बाई टू, डी बाई टू अपॉन में वन, ठीक है, तो डी बाई टू अपॉन में वन, ये लो जी टू से टू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डी की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी, सॉरी डी की वैल्यू हमें गिवन है, डी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 1 mm, राइट, तो 1 mm ये गिवन थी, तो इसका मतलब ए की वैल्यू एग्जैक्टली डी के बराबर आएगी, सो ए इक्वल्स टू 1 mm, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसके ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो एग्जैक्टली 1 mm के बराबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए, इन द फिगर शोन इन YDSC पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट्स फ्रॉम ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इक्वल्स टू 3, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज लैम्डा 1, इस मीडियम में वेवलेंथ लैम्डा 1 है, ध्यान रखना, मतलब वैक्यूम में अगर वेवलेंथ लैम्डा मानू ना तो लैम्डा 1 जो है वो एक्चुअल में देखा जाए तो लैम्डा बाय किस मीडियम के अंदर, n1 के अंदर, तो लैम्डा बाय n1 है, ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है, आगे चलते हैं। ए ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ थिकनेस टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3 इक्वल्स टू 4 इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, द मीडियम बिटवीन द स्क्रीन एंड द प्लेन ऑफ द स्लिट्स इज n2 इक्वल्स टू 2, द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स रीचिंग पॉइंट O इज, ठीक है, रिलेटिव ठीक है, इज 2 पाई टी अपन में एल्फा लैम्डा 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा, एल्फा की वैल्यू बता करनी है अपन को। चलिए देखिए इस पूरे सिस्टम को है ना वैक्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं, इफेक्टिवली वैक्यूम में कन्वर्ट करें तो देखते हैं पार्ट डिफरेंस कितना आता है, उससे फेज डिफरेंस अपन कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिए ये जो लेंथ है यहां से यहां तक मैं एक्स मान लेता हूँ, ये भी एक्स होगी सिमेट्रिकली, ये वाली मैं वाई मान लेता हूँ तो फिर ये वाली भी वाई होगी, लेकिन ध्यान रखना n3 में ये टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो इफेक्टिवली वैक्यूम में डिस्टेंस कितनी होती है, जैसे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के अंदर कोई वेव ट्रेवल करती है लेट से टी डिस्टेंस, तो इफेक्टिवली वैक्यूम में कितना ट्रेवल करेगी, म्यू इंटू टी, बस उसी कॉन्सेप्ट से इसको करना है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं इसको कंप्लीट मैं वैक्यूम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, वैक्यूम में कन्वर्ट करूंगा तो पाथ कितना आएगा n1 इंटू एक्स, इसमें अगर देखो तो ये पूरा वाई है, वाई में से टी सबट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आएगा वाई, n2 मीडियम है ना, n2 इंटू वाई माइनस टी, फिर प्लस इसमें टी में कितना n3 है ना, n3 में टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो n3 इंटू टी, ये लो जी इसको कंप्लीटली मैंने वैक्यूम में कन्वर्ट कर दिया, फिर माइनस इसको फिर वैक्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, माइनस अगेन n1 इंटू एक्स माइनस ये आ जाएगा n2 इंटू वाई, ये लो जी ये टोटल पार्ट डिफरेंस आया वैक्यूम में अगर अपन देखें तो, यहाँ n1x से n1x कट गया, देखो n2y दिख रहा है, ये n2y वाला जो पार्ट है ये इससे कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा अपने पास n2 माइनस का n2 इंटू टी, और ये आ जाएगा प्लस n3 इंटू टी, बस ये पार्ट डिफरेंस आगे देखो, सो पार्ट डिफरेंस इज n3 माइनस n2 इंटू टी, दिस इज द पार्ट डिफरेंस, सो फेज डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा ध्यान रखना वैक्यूम के अंदर लेना है, तो लैम्डा लिखूंगा सिंपली, तो लैम्डा को लिख सकता हूं लैम्डा 1 इनटू n1, ठीक है, और इनटू में पार्ट डिफरेंस व्हिच इज n3 माइनस n2 इनटू t, खत्म।
अब इसको इससे रिलेट करना है, तो N1, N2 और N3 की वैल्यू रखनी है मुझे। N3 की वैल्यू कितनी है? 3 है, ठीक है। सॉरी, N1 की वैल्यू 3 है, N3 की वैल्यू 4 है यहाँ पर, तो 4, ये 4 आ गया, माइनस N2 की वैल्यू कितनी? 2 है, तो ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो वैल्यू देखें तो 2π × 2, यहाँ पे 2 आ गया, लेकिन 2πt रखना है मुझे। 2 देखते हैं, उसको सेटल करते हैं अपॉन में λ1, λ1 भी आ रहा है, और N1 की वैल्यू जो 3 है, तो ऊपर जो 2 था उसको डिवाइड में ले जाओ, इस फॉर्मेट में आ रहा है, देखो 2πt, 2πt अल्फा λ1, λ1 आ रहा है, अल्फा भी आ रहा है, अल्फा 3/2 के बराबर, मतलब 1.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन द फिगर शोन इफ ए पैरेलल बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेट प्लेन ऑफ स्लिट्स देन द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट व्हाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम ओ इज डी बाय एन, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ओके, देखिए ये जो भी डिस्टेंस हमको गिवन है यहाँ पर, व्हाइट लाइट इंसिडेंट कर रखी है, और हमें पता है व्हाइट लाइट के कारण जो ब्राइट फ्रिंज बनती है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, वो एकदम ब्राइट होती है, व्हाइट होती है, और उसकी डिस्टेंस हमसे ओ से पूछी है ना, नियरेस्ट व्हाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम ओ इज, ये पूछा है। तो देखिए ये 2D/3, राइट, इस डायग्राम को थोड़ा सा प्रॉपर बनाऊं मैं, ऐसा कुछ है ये, ठीक है, और ये लाइन यहां पर है, देखिए, ठीक है, और बीम जो है वो कुछ ऐसे आ रही है, ये पॉइंट हो गया। अब ये पूरा डिस्टेंस डी के इक्वल है, लेकिन इसका जो मिड पॉइंट है, दोनों स्लिट के बीच का मिड पॉइंट, ये यहाँ पे आएगा, और हमें अच्छे से पता है ये दोनों के दोनों यहाँ मिलेंगी, तब यहाँ पर ब्राइट स्पॉट बनेगा, व्हाइट स्पॉट बनेगा यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो ये 2D/3 है, ठीक है, और ये कितना है? D/2 है, एग्जैक्टली, क्योंकि पूरा डी है तो ये आधा आधा हो जाएगा D/2, तो ये गैप कितना आएगा यहाँ पर? दिस इज 2D/3 माइनस D/2, तभी तो ये लेंथ आएगी, ये वाली ओ से जहां पे ये बनेगा उसकी डिस्टेंस पूछिए। बस एलसीएम ले लो, 6 2 2 4 4 -3, तो 4 - 3 D/6, मतलब D/6, तो कितना डिस्टेंस पर हमें दिखेगा? D/6 पे, तो D/N दे रखा है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। सेवंथ पे, द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम इन द फ्रंट ऑफ डिफ्रेक्शन पैटर्न एट ए सिंगल स्लिट इज गिवन बाय ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। बहुत फेमस चीज है, ए इज द स्लिट विड्थ, ए साइन थीटा बराबर, देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिया जाता है 3/2 लैम्डा, ठीक है, 3/2 लैम्डा मैक्सिमा की बात करें तो, ठीक है, और सेकंड ऑर्डर के लिए जाता है 5/2 लैम्डा, बस खत्म। तो यहां से एन की वैल्यू पूछी तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 5/2, मतलब 2.5, खत्म, तो आंसर आ जाएगा 2.5। आइए, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 14,000 एंगस्ट्रोम एंड 26,000 एंगस्ट्रोम कोहेरेंट इन देमसेल्व्स फॉल्स ऑन ए डबल स्लिट एपरेटस, द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज 2 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज 1 मीटर, द लोकेशन वेयर द मिनिमाज ऑफ द टू वेव्स कोइंसाइड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर सेंट्रल मैक्सिमा इज (8×10⁻⁴ मीटर फ्रॉम द सेंटर देन ए इज। ये कह रहे हैं दो बार आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, या ये कह सकते हो दोनों जो वेव्स हैं आपने भेजी 14,000 एंगस्ट्रोम और 26,000 एंगस्ट्रोम, ये डी तो आपको दे रखा है। अब ये कह रहा है कि वेयर द मिनिमाज ऑफ द टू वेव्स कोइंसाइड फॉर द फर्स्ट टाइम, दोनों का मिनिमा यहां पर कहीं ना कहीं कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब वाई जो मिनिमा के लिए लोकेशन लेते हैं अपन 2N-1 λ d/2d होता है ना, ये दोनों का सेम है, सेम लोकेशन बनता है, लेकिन ये नहीं पता कि पहले का फर्स्ट मिनिमा है, दूसरे का थर्ड मिनिमा है, ये एग्जैक्टली नहीं पता। तो एक काम करते हैं, पहले वाली जो वेव है उसके लिए nth मिनिमा मिनिमा अपन कंसीडर कर लेते हैं, तो 2N-1 λ1 d/2d, ये d और d, स्मॉल d जो है तो ये सेपरेटस पे डिपेंड करेगा, बराबर दूसरे का जो मिनिमा है वो mth मिनिमा मान लेता हूँ, तो 2M-1 d λ2d/2d, राइट, तो यहाँ से डी टू डी ये कट जाएगा, ये भी डी टू डी ये भी कट जाएगा। अब ये वैल्यू रख देते हैं अपन यहाँ, तो 2N-1 λ1 λ1 अपने पास 14,000 है, 1,000 तो कट जाएगा, 14 बचेगा बराबर 2M-1, यहाँ से अगर अपन देखें 26 बचेगा, 7 से 2 से कट कर देते हैं, 7 आ गया, ये 13 आ गया, तो ये 7 आ रहा है और ये 13 आ रहा है, इंटीजर नंबर भी होना चाहिए,
तो इसको बैलेंस करना है, इसमें वैल्यू पुट अप करके चेक करनी पड़ेगी। अब जैसे देखो ये 7 है, 13 है, इसकी वैल्यू 13 होनी चाहिए फर्स्ट टाइम अगर अपन बात करें। अब ये 13 होने के लिए ये कंफर्म है, ये कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 7 होगा तो 14 - 1 13 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7। 7 × 14 - 1 13 हो जाएगा, राइट। सिमिलर वे से यहाँ पे ये 7 होना चाहिए, 7 कब होगा, जब ये 4 हो, एम की वैल्यू 4 हो तो ये 7 हो जाएगा। तो 7 × 13 ये आ जाएगा 13 × 7, तब तो बराबर हो सकता है। इसका मतलब मेरे को अगर 14,000 वाली वेव लेनी है तो मुझे एन बराबर 7 रखना है, और 26,000 वाली वेव लेनी है तो मुझे एम बराबर 4 रखना है, ठीक है। इससे अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला अपने पास है, ये लगा देते हैं अपन। वाई इक्वल टू 2n - 1, एन की वैल्यू मैं ये वाली ले रहा हूँ 14,000 वाली, तो एन बराबर 7 रखूंगा, तो 7 × 14 - 1 13 आ गया, इंटू में लैम्डा कितना रखूंगा 14,000, एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻⁻⁷ आ गया, ठीक है। और कैपिटल डी की वैल्यू अपन को दे रखी है यहाँ पर कितनी, 2 1 मीटर, तो 1 आ गया अपॉन 2 × स्मॉल डी, स्मॉल डी कितना दी, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 10⁻²। ओके, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 2 से 7 आ गया, और बाकी ये माइनस का 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 13 × 7 10⁻⁵ है, तो इसे कट करें, चलो 7 × 21, 1 2 7 और 2 9, अच्छा ठीक है, 2 से कट करें, 2 × 8, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 = 45 है ना, लेकिन 10⁻⁴ में कन्वर्ट करना है तो 4.55 × 10⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4.55। आइए, सर्टन प्लेन वेव फ्रंट्स आर शोन द फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज, ठीक है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम में, मीडियम का, वो होता है म्यू या एन इक्वल्स टू सी बाई वी। यहाँ तो वैक्यूम है, तो जो लाइट ट्रेवल कर रही है, सपोज इस पॉइंट पर ये वेव फ्रंट दे रखा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइट जो है जिस टाइम इंटरवल में ट्रेवल करेगी, सेम टाइम इंटरवल लाइट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रही है। देखो इसका मतलब सेम टाइम इंटरवल में 2 मीटर ट्रेवल करेगी, इसका मतलब सी प्रोपोर्शनल टू 2 हो गया, और v प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, 1 हो गया। लो जी n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, फॉर ए कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 किलोहर्ट्ज एंड ए मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलोहर्ट्ज, द विड्थ ऑफ द एएम ट्रांसमिशन किलोहर्ट्ज इज। देखो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज है, अगर आपने मॉड्यूलेशन पढ़ा है तो आप ये जानते हो कि जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व जो होता है उसमें जो भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो होता है, जो भी मैसेज सिग्नल जो होता है, वो शिफ्ट हो जाता है हाई फ्रिक्वेंसी पर। सी 100 किलोहर्ट्ज है, इससे 5 किलोहर्ट्ज तो इधर और 5 किलोहर्ट्ज इधर, ये अपर साइड बैंड होता है, ये लोअर साइड बैंड होता है। लेकिन बैंडविड्थ की बात करें ऑफ एएम ट्रांसमिशन, तो अपन को इतनी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है। ये 5 किलोहर्ट्ज जो है, ये दिस प्लस दिस होता था, ये जो गैप है ना, दिस इज 5 किलोहर्ट्ज, दिस इज ऑल्सो 5 किलोहर्ट्ज, तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 किलोहर्ट्ज आ जाएगा। सो आंसर इज 10। द एरिया ऑफ रीजन कवर्ड बाई द टीवी ब्रॉडकास्ट बाई ए टीवी टावर ऑफ 100 मीटर, हाइट इज एन π × 10⁻³ किलोमीटर स्क्वायर, फाइंड एन, एन की वैल्यू हमसे पूछी है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। देखिए जो जो भी टीवी टावर लगेगा, ठीक है, हर सर्फेस पर, इसके ट्रांसमिशन जो है लाइन ऑफ साइट के अकॉर्डिंग इस रीजन में रहेगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, सर्कल बनेगा, ये हाइट टावर की, और ये जो डिस्टेंस है, ये लाइन ऑफ साइट जो है उसकी डिस्टेंस आती है अंडर रूट में 2RH। जो एरिया आएगा ना, वो एरिया जाएगा πr², इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो 2RH। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर 2 गिवन, r गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, और टावर की जो हाइट है वो भी हमें गिवन है, राइट। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आती है 1.28, करेक्ट, 1.28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इफ ए कैरियर वेव ऑफ 1000 किलोहर्ट्ज इज यूज्ड टू कैरी द सिग्नल, द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन एंटीना विल बी इन मीटर। देखिए मिनिमम वेवलेंथ जो है ना, मिनिमम जो लेंथ होती है ट्रांसमिशन एंटीना की, वो लैम्डा बाय 4 के इक्वल होती है। लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है तो सी बाय एफ करना पड़ेगा। सी होता है 3 × 10⁸, एफ फ्रिक्वेंसी है, 1000 किलोहर्ट्ज है तो 10⁻⁶ हो गया, और बाय 4 है ये, इससे कट करो ये 2 बचेगा, 300/4 है ना, 300/4, 2 से कट करें तो 150 आ गया, 150/2 कितना आ जाएगा, 75 मीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 75।
इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर 10^10 इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द इमिटर इन 10^-6 सेकेंड एंड 2% इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विद होल्स इन बेस देन द करंट गेन अल्फा इज। देखो करंट गेन अल्फा क्या होता है, आई ई अपॉन में आई सी। 10^10 इलेक्ट्रॉन्स गए, उसमें से 2% इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो गए होल से बेस में, बट 98% तो कलेक्टर में गए ना, तो जो कलेक्टर करंट है वो 98% के अकॉर्डिंग होगी, इमिटर करंट सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, अल्फा इज आई सी बाय आई। तो कलेक्टर करंट जो है वो तो 98% इलेक्ट्रॉन के कारण होगी और इमिटर करंट 100% इलेक्ट्रॉन के कारण होगी, तो बस सिंपल डिवाइड करना है, 0.98 जो है वो करंट गेन आ जाएगा। ओके द डिप्लीशन लेयर इन सिलिकॉन डायोड इज 1 माइक्रोमीटर वाइड एंड द नी पोटेंशियल इज 0.6 वोल्ट देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन लेयर विल बी मेगा वोल्ट पर मीटर में जवाब देना है, तो वी ई इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय एल, डेल्टा वी इज 0.6 वोल्ट अपॉन में एल, जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की 1 माइक्रोमीटर 10^-6, ऊपर लेके जाओ ये 0.6 या जाएगा मेगा वोल्ट पर मीटर, सो आंसर इज 0.6। एकदम सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। 4 इक्वल रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम आर कनेक्टेड ऑन द एडजॉइनिंग सर्किट डायग्राम देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ये चारों के चारों बराबर है, सिंपल आपने हाई पोटेंशियल इसको दिया लो पोटेंशियल इसको दिया, वैसे भी देखें ये विड्थ ऑन ब्रिज बन रहा है वो भी बैलेंस्ड, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो ये अनबायस्ड की कंडीशन में होगा, तो इसको लगे रहने दो या हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो सिंपल बैलेंस विड्थ ऑन ब्रिज बना, आर आर का 2R, 2R, 2R का फिर पैरेलल में कितना आ जाएगा आर आ जाएगा, सो आंसर इज 10 ओम। आइए 2 कोरेंट लाइट सोर्सेज ईच ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 लैम्डा, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमा फॉर्मड ऑन लाइन ए बी विच रन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी इज, ए बी लाइन पे चल रहे हैं दो सोर्स है पी क्यू, वेवलेंथ है सोर्स की लैम्डा, इन दोनों के बीच में 3 लैम्डा का गैप है, अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा डिटेक्टर तो इससे वेव आएगी एक तो और एक इससे वेव आएगी, इनके बीच में मैक्सिमम पार डिफरेंस आएगा दैट इज 3 लैम्डा, तो इन्फिनिटी पर 3 लैम्डा का पार डिफरेंस मिल रहा है, दैट मीन्स इन्फिनिटी पर हमें मिलेगा मैक्सिमा 3 लैम्डा के अकॉर्डिंग, और सेंटर पे अगर मैं आ जाऊं तो एक तो वेव इससे यूं आएगी एक वेव इससे यूं आएगी, पार डिफरेंस जीरो हो जाएगा, पार डिफरेंस जीरो होता है तो भी मैक्सिमा मिलता है, तो यहाँ पे 0 लैम्डा वाला मैक्सिमा मिलेगा, तो 0 वाला यहाँ मिला 3 लैम्डा वाला यहाँ मिला, तो कहीं ना कहीं लैम्डा वाला मिलेगा कहीं ना कहीं 2 लैम्डा वाला मिलेगा, सिमिलर वे से जो पैटर्न नीचे बनाए सेम पैटर्न ऊपर भी बनेगा, लैम्डा 2 लैम्डा एंड इन्फिनिटी पे 3 लैम्डा, और मिनिमा के लिए हमें पता है लैम्डा बाई 2 1.5 लैम्डा इस तरीके से होना चाहिए, तो 3 एंड 2 लैम्डा के बीच में 2.5 लैम्डा वाला बनेगा, इनके बीच में 1.5 लैम्डा वाला, इनके बीच में 0.5 लैम्डा वाला, ऐसे 3 ऊपर और बन जाएंगे, 3 तो ऊपर और 3 नीचे, टोटल कितना होगी 6, तो नंबर ऑफ मिनिमाज यहाँ पे कितने मिलेंगे अपन को 6। द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेलीस्कोप इज 1 मीटर, इट्स रिजोल्विंग लिमिट फॉर द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4538 एंगस्ट्रोम इज ए 10^-7 रेडियन, देन फाइंड ए। देखो भैया टेलीस्कोप के लिए रिजोल्विंग लिमिट जो होती है थीटा इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा बाय ए के इक्वल होती है, आपको लैम्डा गिवन है यहाँ रख दीजिए, ए गिवन है विच इज 1 मीटर रख दो, इसकी वैल्यू जो है वो रफली आती है अपने पास 5.54 × 10^-7 रेडियन, सो आंसर आपसे पूछा ए की वैल्यू पूछे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5.54। आइए 18th में देखिए, इन द गिवन सर्किट डायग्राम सैचुरेशन वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर बी इन मेगा ओम ट्रांजिस्टर इज आइडियल। देखो इसमें इनपुट और आउटपुट वोल्टेज दे रखा है, पहले उन पे थोड़ा सा गौर कर ले अपन, ये कह रहा है इनपुट में अगर आपने 0 दिया है ना तो आउटपुट पे आपको 10 वोल्ट मिल रहा है, इस चीज को समझो, तो अगर ये 0 दिया है तो वी आई 0 होगा तो आई भी 0 होगा, आई भी 0 होगा तो आई सी भी 0 होगा, तो इस रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और आई सी 0 होगा तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, वी सी की वैल्यू 10 आ रही है, परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही आपने 10 वोल्ट दिया ना यहाँ पर तो 10 वोल्ट देते ही इसका वोल्टेज 0 हो गया, वीसी का 0 होने का मतलब यहाँ पे वोल्टेज अगर 0 है ये 10 वोल्ट है तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट जाएगी आईसी, वी आई की वैल्यू मैक्सिमम है ना तो उस केस में आई बी बढ़ जाएगा, आई बी बढ़ेगा तो आईसी भी बढ़ेगा,
है ना, आईसी भी बढ़ेगा, और आईसी की मैक्सिमम वैल्यू पर वीसी की वैल्यू देखो जीरो है, ये जीरो ये जीरो, तो कलेक्टर और जो इमीटर उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ रहा है। तो ये जब जीरो होता है तो आपको पता है ट्रांजिस्टर जो है वो सेचुरेशन रीजन में चला जाता है, तो वही आपको करंट दे रखी है। कलेक्टर करंट की सेचुरेशन वैल्यू जो है ना वो 10 mA है। इसका मतलब जब आपने वी आई को कितना दिया 10 वोल्ट, तब कलेक्टर करंट जो है यहां पर जो फ्लो होने वाली है दैट इज 10 mA। और जब कलेक्टर करंट 10 mA, तो उस केस में आई बी जो है वो कितना आना चाहिए। सो आई बी आई सी अपॉन आई बी इज बीटा, सो आई बी इक्वल्स टू आई सी अपॉन बीटा, बीटा इज करंट गेन विच इज ऑल्सो गिवन 250। और आई बी अगर आपके पास है तो ये देखो इन दोनों के बीच में बेस और बेस क्या इस टर्मिनल और इमीटर के बीच में जो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी आई के बराबर होगा। तो वी आई इक्वल्स टू कितना आएगा, इसमें करंट आई बी है, आई बी इंटू आर बी, और आइडियल है तो बेस और इमीटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो मान लेते हैं अपन। तो यहां से आर बी की वैल्यू कितनी आई, आर बी आ जाएगा वी आई अपॉन में आई बी, और वी आई जो है अपन रख देंगे, आई बी की वैल्यू जो है वो आई सी अपॉन में ये बीटा आ जाएगा। तो ये आर बी बेस जो रेजिस्टेंस है वो उसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। वी आई की वैल्यू देखते हैं कितना है 10, आई सी की वैल्यू कितनी है 10 mA, मिली है तो 10^-3 ऊपर चला जाएगा, बीटा की वैल्यू 250 दे रखी है, 10 से 10 कट गया, ये आ जाएगा 250 10^3 ओम। लेकिन मेगा ओम में पूछा है तो 3 1000 डिवाइड कर दीजिए तो 0.25 मेगा ओम जो है वो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, ये स्विच का स्विच से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जब इनपुट लो है तो आउटपुट हाई है, जो आउट जब इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या हो जाएगा लो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपको इक्वेशन दे रखी है मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस। मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर आपको इक्वेशन मालूम है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, दिस इज ए सी दिस इज ए एम, और ए एम बाई ए सी जो होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, तो 5/10 मतलब 0.5 जो है इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, 0.5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रेले स्कैटरिंग रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ स्कैटर्ड लाइट्स ऑफ वेवलेंथ रेशियो 1:2 इज। देखो स्कैटर्ड लाइट जो होती है रेले स्कैटरिंग के अंदर उसकी इंटेंसिटी जो है आई प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4 होता है, 1/λ4। तो यहाँ पर वेवलेंथ का रेशियो 1:2 दे रखा है, तो अपन लिख सकते हैं I1/I2 इज इक्वल टू λ2/λ1 का स्क्वायर, मतलब 1/2 का 2 ऊपर आ जाएगा, 2/1 का स्क्वायर सॉरी 4 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाता है 16, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, ओके जी, तो ये थे आपके क्वेश्चन सेक्शन बी के। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर ओवरऑल देखा जाए तो काफी आसान था। ठीक है, तो ऐसे मेहनत करते रहिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाते रहिए। थैंक यू।